अगर मैं कहीं खड़े होके डट के नहीं लड़ूंगा तो मैं तो हर जगह से भागता रहूंगा। मैं आज भी लोगों से ये कहता हूँ और खुद को भी कहता हूँ, खुद बदला लेना है तो ले लो, अगर सीने की ठंडक चाहिए ना तो अल्लाह को बदला लेने दो। ये समझ भी नहीं सकते, ये पैदा होके भी जन्म ले लेना ये समझ नहीं सकते कि बेऔलादी का दर्द क्या। और खासकर पाकिस्तान के अंदर एक वो औरत जिसको पहले साल में बच्चा हुआ है या दूसरे साल में बच्चा हो गया, औरत का इस गम के ऊपर तो मर्द का तो डोमेन ही नहीं है ना। ठीक है, मर्द तो बात ही नहीं करता वो अच्छा लगता है। तो सबसे बड़े गमों में से गम ये है जो गुजर रहा है कि बेटा ये तेरी दो टांगे ओनली टू सिंसियर थिंग्स आर योर लेग्स। नहीं, दीनदार इंसान सेंट होता है। आपकी दुनियादार आज आपको भी यही समझती होगी कि भाई क्योंकि ये अल्लाह की तरफ आ चुके हैं, नफ सिंह का कट के साइड में हो गया, इनकी कोई ख्वाहिशात होती नहीं है, डिजायर्स हैं नहीं, ये गलती कर नहीं सकते। आप एक एंटरप्रेन्योरल फैमिली से हो, आपका ज्ञान से क्या लेना देना, क्योंकि जैसे ही आपने कदम उठाना है तो आपकी तलाकें और आपसे अलहदगियाँ शुरू हो जाएंगी। बड़े बड़े दुनिया के अंदर चैंपियन बैठे हैं, मेरे लिए तो मेरा चैंपियन मेरा बाप है। अगर आपके अंदर वो मसला है ना, मसला अजीमा जिसे हम कहते हैं, तो वो मसले क्रिएट करेगा। मतलब कि एक ऐसी हड्डी है जो ना उतरती है ना, आप थूक सकते हो ना उगल सकते हो, अटक जाती है, अटक जाएगा, वो मसला है। इज्जत एहतराम हम सबकी कर सकते हैं लेकिन पैर के नीचे दबाना मुश्किल काम होगा। जिन्होंने भी किया है नाम तो हम ले, हम वो कमजोर थोड़ी हैं जो किसी का नाम ले लें। अंधेरे अंधेरे खत्म होने हैं एक दिन, रात सबसे तारीख वहां होगी जहां सवेरा होने वाला होता है। घबराना नहीं है। शेख साहब, दुनिया में हजारों करोड़ों लाखों इंसान हैं, हर किसी का अपना जिंदगी के अंदर एक सफर है, स्ट्रगल है। कोई अपने माश के लिए स्ट्रगल कर रहा है, कोई इज्जत के लिए कर रहा है, कोई अपनी सिक्योरिटी के लिए कर रहा है, कोई कुछ बनाने के लिए कर रहा है। आसान जिंदगी आप भी कहते हैं और बताते हैं कि आसान जिंदगी किसी की भी नहीं है, नहीं। लेकिन एक वक्त आता है इंसान ये समझता है अपनी जिंदगी के हवाले से कि जिससे मैं गुजर रहा हूं शायद उससे कोई और नहीं गुजर रहा। इसको आप क्या कहेंगे, ये इस जुमले को जब इंसान के दिल में आता है, इसको क्या हम एरोगेंस कहेंगे? नहीं। या क्योंकि एक वक्त आता है ना कि आपका आपको लगता है कि जिससे मैं गुजर रहा हूं अभी ये सामने वाले की जिंदगी में ऐसा क्या होगा, उसकी जिंदगी में ऐसा क्या होगा जिससे मैं गुजर रहा हूं, बिकॉज आपको लग रहा होता है आपका पेन, आपका दर्द या आपका गम सबसे ज्यादा है। ये होना इसको किस तरह डील करें इंसान? अगर तो वो अपनी जेन्युइन स्ट्रगल से गुजर रहा है ना, तो वो इस वाली डोमेन में नहीं आएगा कि जो मेरी तकलीफ है ना वो किसी की नहीं है, बल्कि उसके अंदर ज़्यादा एहसास पैदा होगा कि अगर मैं इस तकलीफ से गुजर रहा हूँ तो और किससे गुजर रहा हूँ। ये वाइमी वाली कौम जो है ना, कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ या जो मेरे साथ हो रहा है वो किसी के साथ भी नहीं हुआ होगा, ये एक नेगेटिव कॉनोटेशन है, एक नेगेटिव एहसास है जो आदमी को तब आता है जब आदमी उससे फाइट नहीं कर रहा होगा। इफ़ यू आर फाइटिंग योर बैटल एंड डीमंस, तो उसमें उस प्रोसेस में तो आप में एक एहसास पैदा होता है इंसानियत का कि यार अगर मैं इस तकलीफ को फेस कर रहा हूँ, वो इसमें नहीं जाएगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ और जो मेरे साथ हो रहा है वो किसी और के साथ नहीं हुआ। मेरी ज़िंदगी के तजर्बे के अंदर मैंने जिस इंसान के मुंह से भी ये सुना है ना कि मतलब हज़ारों लोगों की हम काउंसलिंग करते हैं, सुनते हैं लोगों का गम सुनते हैं, जो जेन्युइन पेन वाले लोग हैं ना, ये नहीं कि जो जेन्युइन पेन तो बहुत सों को आया होगा, जो जेन्युइन फाइटर्स हैं ना वो ये कभी इस्टेब्लिश ही नहीं कराएंगे कि जो मेरे साथ हुआ है ना वो आप सोच भी नहीं सकते। वो हमेशा ये कहेंगे जो आपके साथ हुआ है शायद मैं वो नहीं समझ सकता। ये एहसास ही उस इंसान में आता है जो गुजरा होता है। जो गुजरा नहीं होता ना या जो गुजरना चाहता नहीं, वो वाइमी की डोमेन में चला जाएगा। हाँ, इस पर बाद में, इसके बाद मैं ये ज़रूर कहूँगा, हर इंसान की तकलीफ का एक अपना आलम है, एक अपना स्टेटस है, एक अपना प्रेस्टीज है उसका, एक उसका एक अपना प्रिविलेज है और एक उसकी अपनी शान है। वो शान उसे हमेशा एक पॉजिटिव में ही कन्वर्ट करेगी, एक ग्रेटनेस की तरफ ही लेके जाएगी। वो कभी भी ये जुमले नहीं निकलवाएगी, यानी जितने भी लोग कहीं पहुँचे हैं ना और उस ग्राइंड से गुजरने के बाद और वो वक्त उन्होंने देखा है, आपको उनकी शख्सियत के अंदर ना मेरा नहीं ख्याल है कि नहीं, वो असल में होना नहीं चाहिए। एक नेचुरल फिनोमेना भी है ना कि
या तो मैंने कुछ अचीव कर लिया हो, मैं पहुंच गया हूं एक जगह पे, तो मुझे उससे सेंस ऑफ अचीवमेंट मिल रही हो कि आई हैव अचीव दिस एंड दिस इज माय सक्सेस दैट आई वाज चेजिंग इयर्स अगो, या तो उससे मुझे सेंस ऑफ अचीवमेंट मिल जाएगी, या फिर जब आप नहीं पहुंचे होते और आप रस्ते पे होते हैं तो आपको जो ग्रैंडियोसिटी या फिर जो आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट मिल रही होती है वो आप पेन से और दर्द से लेना शुरू कर देते हैं कि जिससे मैं गुजर रहा हूँ ना अभी शायद कोई और नहीं गुजर रहा, बिकॉज वो पहुंचने से पहले ही पहुंच चुका है। वो आपके और आपके रब के बीच में ही होगा, बस पब्लिक नहीं समझ सकती, कोशिश भी नहीं करिएगा कभी कभी जिंदगी में, ये कोशिश नहीं करिएगा कि उन वक्तों में आप मतलब बहुत अच्छे से अच्छा शोल्डर भी होगा ना तो वो सुन लेगा बस आपको, ठीक है, महसूस नहीं कर सकेगा। जो लोग महसूस कर सकते हैं ना वो सिर्फ उसको गाइड करेंगे, देखते रहेंगे और दे विल बी वेटिंग के व्हाट विल द नेक्स्ट मॉर्निंग ब्रिंग आउट ऑफ हिम और हर। लेकिन क्योंकि वो जानते हैं कि ये प्रोसेस क्या है, एक गुलामी है, ये उसकी तो बात ही नहीं हो रही ना भाई, जिसने सरेंडर कर दिया, घुटने टेक दिए, इनिशिएटिव ही नहीं लिया, फैसला ही नहीं किया, गैरत नहीं दिखाई, ये उनकी बात नहीं हो रही, ये बात हो रही है जो है मैदान में अभी। तो जो पहुँचे हुए होंगे या जो गुजरे हुए होंगे या जो गुजर रहे हैं वो उसकी पेन को तो समझ सकते हैं, लेकिन उस पेन से बड़ी जो चीज़ है जो इसके लिए हम दुआ करते हैं उसके लिए कि ये वो किरदार दिखा सके उस दर्द के सामने जो ज़रूरी है कहीं पहुंचने के लिए। बहरहाल अगर ये जुमला किसी को ईज़ कर सकता है, किसी को कंसोल कर सकता है, तो मैं ज़रूर कहूँगा जो हर इंसान के यूनिक सफ़र का दर्द है ना, वो वाकई उस लम्हे में जब उसको हो रहा होता है ना तो वो एक अलहदा रेलम के अंदर होता है जो आप वो बात नहीं हो सकती। वो जो अगर जो कह भी रहे ना कि वाकई मैं किसी चीज़ से गुजर रहा हूँ और वो उसको अगर अपने माइंड के अंदर बहुत एक ग्रेटनेस वो समझ रहा होता है कि भाई अगर अल्लाह ताला ने मेरे नसीब के अंदर मेरी लाइफ के अंदर अगर ये लिखा है तो आई एम वेटिंग फॉर समथिंग बिग टू हैपन, तो वो उस ये नहीं कह रहा होता कि बाकी किसी की औकात नहीं है या कोई और कोई जो है ना मेरे मद्द मुकाबिल है नहीं या मेरे मुकाबले में नहीं है। असल में आप भी समझते हैं इस चीज़ को, एक एप्रिसिएशन, एक रिगार्ड, हालांकि कुछ नहीं हो गया आपकी एप्रिसिएशन से मुझे कुछ मिल तो ना जाएगा आपके रिगार्ड करने से या आपके एक्नॉलेज करने से, पेन होगा। लेकिन एक लीडर जो है अगर वो भी अकेला किसी चीज से गुजर रहा है और कोई उसको नहीं समझ सकता, इतना तो वो भी उसका भी दिल कहता है कम से कम वो एक्नॉलेजमेंट का एक जुमला तो मिल जाए। वो बहुत पेन है, अगर जुमला चाहिए तो मैं ये कह सकता हूँ बहुत पेन है, वो इतना पेन है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। वो जो स्पेसिफिकेशन के अंदर, और वो असल पेन हुआ है जब वो अपनी एग्जर्शन की एक्सट्रीम पे खड़ा हुआ और अभी रिजल्ट उसे मुंह भी नहीं लगा रहे, बहुत पेन है, वो बताया नहीं जा सकता। और मैं इसमें कुछ खोल सकता हूँ, लेकिन देखिए असल में मसला ये है कि मैंने हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर में बात की है। मेरे पूरा खिताब 7-8 सालों के अंदर, जब से, वैसे तो मैं बहुत पुराना बोल रहा हूँ, नहीं आपकी जितनी तकरीरें हैं जो जज्बात से भरपूर हैं, लोग उसमें लिखते हैं कि ऑब्वियसली दिस मैन हैव बीन थ्रू सम डिफिकल्ट टाइम्स, जब ही वो जुमले निकल रहे हैं ना, वो आप कोट तो नहीं कर रहे, वो तो अंदर से निकल रहे हैं, वो दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, लेकिन वो तो आपने नहीं बताया किसी को क्या है, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूँ वो उस वक्त जो उस पॉइंट पे जो इंसान चाह रहा होता है वो ना किसी की हेल्प है, ना आपका, ना आपकी तारीफ के भूखा है कोई, ना वो एक जो एक जुमला होता है वफादारी का कि आप ठीक हैं, बस एक्नॉलेजमेंट, रिगार्ड है, वो हर किसी के लिए है, हर किसी के लिए हम करते भी हैं और पुश भी करते हैं उसको, बट इट्स वेरी इट्स अ वेरी टची टॉपिक व्हेन इट कम्स टू के मतलब देखिए एक तो आप कहते हैं ना कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा, लेकिन कुछ कुछ तो होते हैं, कुछ नहीं, नहीं बहुत तो होंगे, ऐसी बात नहीं है, बात ये है ना कि वो जिंदगी जिसमें आप क्राउड में भी तन्हा होंगे ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, कभी अजीब मसला ही अजीब है ये, एक साहिल पे आप बैठे हैं, कंफर्ट जोन है, कन्वीनियंसेस हैं, सपोर्ट है, सेंस ऑफ बिलोंगिंग है, सेंस ऑफ रिलेटेबिलिटी है, आपको लैंग्वेज मिल जाएगी, आपको दोस्त मिल जाएंगे, आपको बरादरी मिल जाएगी, आपको खाने मिल जाएंगे, आपको जार्गन्स मिल जाएंगे,
आपको इस्तलाहात मिल जाएंगी, आपको बिलोंग करने के लिए ना रीजन मिल जाएगा। ये सबसे बड़ा, अगर आप खुलवाना ही चाहते हैं तो मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ा कंफर्ट है ना मेरी जिंदगी में, जिसे मैं देख के, अगर किसी चीज़ को देख के, मुझे आज तक मैं इसका दावा तो नहीं करूँगा क्योंकि मैं एक मखलूक हूँ, खुलेकल इंसान हूँ, ज़ईफ़ा इंसान, कमज़ोर है, ये दावा करना कि मैं बड़ा नेक पारसा हूँ ये मैं नहीं कर सकता। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इतनी ज़िंदगी के अंदर मुझे नहीं लगता कि मैंने किसी से हसद किया, पर्सनैलिटी भी नहीं है और मिजाज भी नहीं और दिल भी नहीं, हसद कभी नहीं किया कि जवाल नेमा अगले की नेमत ही छिन के मुझे मिल जाए, ये मेरी कभी सोच मैंने, मुझे नहीं याद पड़ता 44-43 साल में मेरी इस तरह की सोच हुई हो। लेकिन अगर मैं कभी हसद मेरे लिए जायज़ होता और अगर मैं कभी किसी चीज़ को एनवी करता किसी की देख के, वो है कि यू नो द फैक्टर ऑफ बिलोंगिंग, कि मैं बिलोंग कहाँ करता हूँ, वो बिलोंगिंग जो लोगों की मैं देखता हूँ, उस बिलोंगिंग में जो मैं उनके तफरी देखता हूँ, उनका शुगल देखता हूँ, उनकी इंजॉयमेंट देखता हूँ, उनके दोस्त देखता हूँ, उनकी सोसाइटीज़ देखता हूँ, उनकी गैदरिंग्स देखता हूँ, और यू नो यू हैव समथिंग टू गो बैक टू, ये मैं देखता हूँ, तो जो वो वतन छोड़ता है ना इंसान मेंटली अपना, जो वो गुलाम नहीं होता, जिसकी जिंदगी के हालात है, आज़ादी उसके पास होती है लेकिन बिलोंगिंग नहीं होती। सब मेरी नज़र में सबसे अजीम तरीन गम जिसे मैंने एक्सपीरियंस किया है, औरों के और भी होंगे लोगों का बहुत बड़े बड़े, मैं बिलोंगिंग के गम को बहुत बड़ा दुख देखा है मैंने इसका, कि मेरी बिलोंगिंग जो है ना वो बन नहीं सकी। इवन आज भी मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं डिफाइन कर दूँ तो शायद मेरी अपने आप से जो सेल्फ टॉक है ग्रेटनेस की वो मर जाएगी। अगर मैं किसी दड़बे में फिट हो जाऊँ और उसे अपना घर मान लूँ और उस कुलिये को अपने असल बना लूँ और उससे अपनी दिल्लगी लगा लूँ और खाना बदोशी की, फिक्री खाना बदोशी की ज़िंदगी छोड़ दूँ, तो ये मैं दुआ करता हूँ काश ये हो सके। तो कभी इसके दर कभी उसके दर, तब इतना ज़्यादा ट्रांजिशन रही मेरी लाइफ में कि मेरे ख्याल से तो मेरी सबसे अल्टीमेट पेन ये रही कि मैं कहीं हमने कोशिश की तो हम नहीं टिक सके, कहीं किसी ने हमें नहीं टिकने दिया। सही है। तो इट वाज ऑलवेज, अब ये एक बड़ा पेन होगा कुछ लोगों का जो कह रहे होंगे अभी सुनते हुए कि आई नो व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट, के क्योंकि जैसे ही आपने कदम उठाना है तो आपकी तलाकें और आपसे अलहदगियाँ शुरू हो जाएंगी। इट्स, अगर हम इसको एक पिक्चराइज करें, इमेजिन करें, वो ये है कि आप निकलते हैं घर से और आपको दोस्त भी मिलते हैं, आपको दुश्मन भी मिलते हैं, आपको स्ट्रगल भी मिलती है, लेकिन जब आदमी थकता है या जब आदमी कहीं पीछे अपने वापस शेल्टर में आ जा, देयर इज नो वे, नो होम बैक, वो कोई घर नहीं है पीछे जहां पर मैं जाके दुश्मनों से बोलूं हॉल्ट एवरीथिंग, हाँ, दोस्तों से बोलूं विल मीट यू नेक्स्ट टाइम। अगर आप घर चार दीवारी को कहते हैं ना तो मैं उसे घर नहीं कहता, घर उनसियत से बनता है, वो उनसियत और वो रिलेटेबिलिटी और वो ताल्लुक वो उसी दिन टूट जाएगा जिस दिन आप अपने साथ एक कमिटमेंट करते हैं कहीं पहुंचने की। इसी को बोलते हैं ना, आप यू आर इन द मिडल ऑफ द ओशन, आप हर बार साहिल तो नहीं मिलेगा पीछे, नहीं होगा। और वो जिंदगी ठीक है, साहिल के अंदर आप कहते हैं अगर आपके लिए हसद जायज होती तो आपको इस चीज पे होता कि काश लोग अपने साहिल पे कितना खुश है। हाँ, बहुत ज्यादा, लेकिन वो भी कहीं खुश नहीं होंगे, ऐसा नहीं है कि उनके मसाइल नहीं है, लेकिन मेरी नजदीक वो लिए नहीं ना मसाइल कभी वो वाले वो भूख भी तो नहीं थी जिंदगी। मैं दुआ करता हूँ कि किसी के ऐसे हालात भी ना बने कि उन्हें मजबूरी के अंदर समंदर में कदम रखना पड़ जाए तूफान में। मैं दुआ करता हूँ, मैं अपनी जैसी और मेरे जैसी फील्ड के जो मेरे दोस्त हैं या मेरे जो हम असर हैं, जो मेरे सीनियर्स हैं, मैं इस तरह की ज़िंदगी किसी के लिए चाहूँगा नहीं कि जहाँ ऑप्ट करके या मजबूरन भी उसे घोंसला छोड़ना पड़े, अब वहीं पे रहे, वहीं पे खुश रहे, वहीं पे सल्तनत बना ले, वहीं पर एडजस्ट हो जाए। अच्छी बात, क्या होता नहीं है एक एक घोंसले में किस तरह जिंदगी होगा नहीं ना, वो असल बात वही है ना, कैलिबर की है, एप्टीट्यूड की है, सेल्फ टॉक की है, फिर आपके मिजाज के अंदर अगर हल्का सा भी वो रंग होगा ना, तो मैंने आपसे कहा ना, या आप नहीं टिक सकोगे या लोग रहने नहीं देंगे। वो नेस्ट या घोंसला जो है, या तो आपको खुद होगा कि भाई वो छोटा पड़ जाएगा, छोटा पड़ बड़े हो जाएंगे, या आपको निकाल देंगे।
या आप घोंसले से बड़ा हो जाएंगे जी, या घोंसले के अंदर मसाइल हो जाएंगे कि आप वहां पे एडजस्ट नहीं, आपका साइज वहां, आपकी फिगर का साइज वहां एडजस्ट नहीं हो सकेगा। जिस्म का साइज तो किसी घर में आ सकता है, फिगर का साइज नहीं आ सकेगा। और वो एक ऐसी तन्हाई है कि आदमी फिर आगे जो एक्सपीरियंसेस होने हैं उसके साथ, वो तो बात की बात है, उसमें उसे हर बार एक ना एक टाइम पर, हर झटके पे ये एहसास जरूर आएगा, काश के नहीं निकला होता, काश के नहीं निकला होता, काश के वो 9 to 5 ही कर लेता और बिजनेस नहीं किया होता, काश वो कैपिटल इन्वेस्ट नहीं किया होता। हाँ, काश। तो मेरे पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन हमेशा से रहा है। मेरे वालिद साहब एक बहुत ही सेटल्ड बिजनेसमैन है और माशाल्लाह मेरे सारे भाई भी बहुत बिजनेसमैन, और मैं दुनिया में अगर किसी की मेहनतों से इम्प्रेस हूँ ना, तो वो मैं भट्ट साहब की मेहनत से इम्प्रेस हूँ। वो एक बहुत ही डाउन द लेन सियालकोट के एक बहुत छोटे घर से आए थे 65 में, और जो उन्होंने अचीव किया है आँखों से, अगर मैं किसी बड़े बड़े दुनिया के अंदर चैम्पियन बैठे हैं, मेरे लिए तो मेरा चैम्पियन मेरा बाप है। मैंने जो उनकी स्ट्रगल देखी है कि एक कमरे में 13 लोग जहाँ रहते थे, वहाँ से वो एक बिलियनियर आदमी बने हैं, अपने सारे बच्चों को बाहर पढ़ाया, खुद नहीं पढ़ सके। मैं अपने वालिद साहब की दुनियावी अचीवमेंट को दीन से हट के भी देखूँ ना, मेरी नज़र में मेरे तो मेरे लिए इम्प्रेस होने के लिए बाहर मुझे कोई बाहर मोटिवेशनल स्टोरी नहीं चाहिए थी। मेरे वालिद साहब मेरे लिए बहुत बड़ी मशले राह थे, तो मेरे पास बहुत बड़ी कन्वीनियंस थी कि एक 36 साल की जिंदगी जो जल चुकी थी, मुझे उसके बाद बैठ के ऑफिस में सिर्फ चेक काटने थे, और इम्पोर्ट थी, सेल्स लगी लगाई सेल्स थी, लगी लगाई कंपनीज थी। ऐसा नहीं है कि मुझे सेल्स क्रिएट करने के लिए, मार्केट क्रिएट करने के लिए, नाम पैदा करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स लेने के लिए, इम्पोर्ट लाइसेंसेस लेने के लिए और फॉरेन प्रिंसिपल्स बनाने के लिए मुझे मेहनत करनी थी। ये सब सजा सजाया स्टेज था मेरे लिए, मुझे कुछ नहीं करना था। मैं अमेरिका भी चला गया था, वो भी एक मेरा बड़ा मसला है कि वहाँ भी मैं बहुत सी चीज़ें मुकम्मल नहीं कर सका। तो आई जस्ट हैड टू डू नथिंग, आई जस्ट हैड टू फिट इन, एडजस्ट एंड एक्सेप्ट। ये तीन लफ्ज आप लिख लीजिएगा, शायद आपका कोर्स आ जाएगा इस पर। इफ आई फिटेड इन, एडजस्टेड एंड एक्सेप्टेड, लाइफ वुड हैव बीन वेरी स्मूथ। मगर उन वाटर्स, उन फड़फड़ाहट के अंदर अगर मुझे सही डील नहीं किया गया, या मैं खुद को सही डील नहीं कर सका, और अगर मैंने भंड मारे हैं बहुत बड़े बड़े, जो कॉस्ट मैंने पे की वो अपनी जगह पे, लेकिन इट कुड हैव बीन वेरी ईजी इफ आई वुड हैव चोजन दैट लाइफ। और उसके अपनी स्ट्रगल है, ऐसा नहीं है मेरे भाइयों ने स्ट्रगल नहीं की। मेरे दोनों भाई जो हैं वो तीनों भाई माशाल्लाह, कि मेरे दो भाई हैं वो ज़्यादा अभी इस्टेब्लिश फेस के अंदर, बहुत मेहनत की है उन्होंने, उन्होंने अपनी फील्ड के अंदर बहुत तकलीफ काटी है, बहुत नुकसान देखे हैं। मेरे बड़े भाई ने बहुत नुकसान देखे हैं, मुझसे छोटा जो ऑस्ट्रेलिया से पढ़ा है उसने बड़े नुकसान देखे होंगे। बहुत स्ट्रगल है उसकी, और ऐसी स्ट्रगल है कि मैं भी समझता हूँ मैं उसके मुख, तो मैं किसी की स्ट्रगल को बिलिटल नहीं, मैं कभी नहीं करूँगा, मैं ये काम नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर पेन है तो ये पेन शायद मेरी फैमिली में शायद कभी किसी ने देखा ही नहीं, वो कभी बाहर, वो उस कुएं से बाहर निकले नहीं होंगे। उस कुएं में वो बहुत बड़े होंगे, लेकिन उस कुएं में मैं नहीं रह सका। कमिंग बैक टू दैट एनालॉजी, तो उस गद्दी पे बैठ के जो बादशाहत थी, उस गद्दी से निकलने के बाद जो किया गया है, वो तो मैं सलाम पेश करता हूँ उस पूरी कौम को जिन्होंने मेरे साथ किया। वो जो एनालॉजी है कि एक घोंसले से आया, तो आप बड़े हो जाते हैं, आपको निकाल दिया जाता है और फिर आप उड़ते हैं। नहीं, घोंसला भी ठीक था, हम बेवकूफ थे, ठीक है, इसको इस तरह मतलब कभी कभी आज हम उस घोंसले की कदर करते हैं। वो कहते हैं ना, फॉर करेज यू नीड टू बी somehow, आपको थोड़ा बेवकूफ होना पड़ता है, यू नीड टू बी अ लिटिल स्टूपिड टू बी ब्रेव, यू नो। यस, सो इट वाज देयर एंड आई टुक माय चांस, आई हैव नो रिग्रेट्स ऑन इट। अगर एक परिंदे को बता दिया जाए ना बाहर कौन-कौन शिकारी वेट कर रहा है तुम्हारा, निकलेगा नहीं, हां वो थोड़ा उसको लगना चाहिए कि मैं ही हूं। नहीं, ऐसा बात नहीं था कि समझाने वाले ब्रेन्स नहीं थे उस टाइम, ठीक है, बहुत समझाने वाले थे, हमारे बड़े बहुत समझदार थे, हमारे इर्द-गिर्द भी समझदार। हमारे अंदर का तूफान जो था ना, वो बहुत पागल था। अल्लाह ताला ने जब ही तो जवानी के अंदर जज्बात ज्यादा रखे हैं और जो दलाइल और शऊर कम रखा, शऊर कम था। अगर सोचे अल्लाह ताला ने जवानी के अंदर ही वो शऊर दे देना, तो जज्बात बैठ जाएंगे। हाँ, तो वो फिर रूट नहीं लेता मैं, और अगर मैं वो रूट नहीं भी लेता तो शायद आज इतनी बड़ी खिदमत का काम नहीं मैं कर पाता। लेकिन अभी उस एनालॉजी के अंदर अगर देखें तो एक घोंसला आपके पास ये भी है कि आप एक दीनी आलिम है, एक घोंसला आपके पास ये है आप तजार ताजिर भी है, घर बहुत है, अभी घर बहुत है,
बहुत गहरा। नाउ यू हैव टू चूज कहाँ जाना है वापस। अभी भी मसला ये है कि वही बात है ना कि मैं वो इतना ज्यादा, इसका एक नुकसान ये भी होता है कि आप इतने ट्रांजेक्शन से गुजरे हुए होते हो कि आपको यही नहीं पता होता कि बैठना भी है या नहीं है। ये इज अ बिग प्रॉब्लम। लेकिन घर बहुत है। और असल क्या है? असल भी बड़ा मसला है। आखिरी ऊंट कहाँ बिठाऊंगा? वो भी बड़ी टेंशन है, क्योंकि जिधर किसी से असल मिलाने की कोशिश भी की है ना, तो वहाँ भी मैंने बहुत तासुब देखा। मैं कभी नाम नहीं लूँगा, सही, लेकिन मैंने बहुत कम जगहों के ऊपर वो जेन्युइन एक्सेप्टेबिलिटी देखी है कि जहाँ मुझे मेरी गलतियों, मेरी बेवकूफ़ियों, मेरी शॉर्टकमिंग्स और मेरे टैलेंट और पोटेंशियल के साथ कोई एक्सेप्ट कर ले, मुश्किल रहेगा, वो प्रॉब्लम हो जाएगी। हाबील काबील जब दो भाई सगे इंसान, व्हाट केप्ट यू गोइंग? एक बहुत बड़ा सवाल कि सब कुछ जानते हुए भी शुरू में वापस जा सकते थे? यू कैन नॉट से कि एक दो साल बाद आपको पता नहीं चला था, ये पहले साल ही पता चल गया होगा, वापस कहाँ जाना है, वापस चले जाता हूँ। वापस क्यों नहीं गए? और ये हर किसी के लिए सवाल है जो भी हमें सुन रहा है आज। आप जब निकलते हैं आपको पहले दो तीन महीने के अंदर ही पता चल जाता है क्या क्या पैकेज है। देखिए, अगर मैं 17 साल से 25 साल के आतिफ से बात कर रहा हूँ आज, 17 से 25 साल का अगर आतिफ मुझे आज सुन रहा है बैठ के, तो पहले तो मैं उसकी लग के कुट लगाऊंगा पहले उसको 76 प्रोग्राम होते हैं कि अगर इफ़ आई हैव टू टॉक टू माई सेल्फ व्हेन आई वाज 17 एंड 18, तो मैं तो उसकी खाल उतार दूंगी। और जितनी अल्लाह ने मुझे मैच्योरिटी रब ने मुझे दी बाद, तो मैं तो अपने आप को एक कम्प्लीटली मतलब मेरे लिए सख्त से सख्त जुमले में अपने आप के लिए बोल सकता हूँ, अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं इतनी बर्बादी कर चुका हुआ था कि अच्छा देखिए, इसमें सबसे बड़ा एक तकलीफ का आलम यह था कि जब अल्लाह मुझे दीन की तरफ लाया था तो मैं इस तरह नहीं आया था कि मैंने दुनिया के गंद को कोई 10% 20%। आज मैं बोल देता हूँ, मैंने आज तक कभी अपने बारे में बात नहीं की। मेरे 14 साल 15 साल के करियर के अंदर मेरी एक वीडियो नहीं है। हाँ, मैं कोर्सेज में कुछ खोल देता हूँ, मैंने बात ही नहीं की। लोग मुझे कहते हैं हमने इतना जानने की कोशिश की आपकी स्टोरी क्या, मैंने कहा भाई मेरी स्टोरी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो बड़े बड़े लोग बैठे हैं यहाँ पर। और ये भी मेरा भी बात करने का मकसद यही होगा कि कुछ थोड़ा दे दें आप, हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर मजूल के, वो भी मैंने अकीदा तहविया में जब मैं पढ़ता था मदरसे में, तो उसमें कुफर मुइन की बहस में था कि हमेशा जब किसी आदमी का कुफर या काफिर ओम वाली हरकत वाजे हो जाए ना, तो मुइन हुक्म लगाने की शराइत इतनी सख्त है। हमेशा इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह कहते थे और इमाम तहावी अबुल हनफी रहमतुल्लाह कहते थे कि मजहूल के सीगे में बात करो, जो ये काम करता है वो काफिर है। सही, तू काफिर है, ये बहुत, इसके लिए बहुत कद चाहिए, ये हमारा काम नहीं है, ये बड़े लोगों का काम है। तो आपने जब पढ़ाना भी है, जो ये करता है वो मुनाफिक है, जो ये करता है, यू नेवर से यू आर अ काफिर और यू आर अ मुनाफिक, यू डोंट से दैट। इवन जन्नती के जो ये करता है वो जन्नत में। सही, तो ये मैंने वहां से उसलूब सीखा था कि भाई जब आपने दुनिया की मुश्किल तरीन बात करती है ना, आप अपने पे रख के ना करें। ये एक तकब्बुर की अलामत है, ये खुद पसंदी की अलामत है कि भाई मैं अपने बारे में अपनी कहानियां सुनाता रहा, मुझे ये पसंद नहीं है। अल्लाह भी कुरान में कहता है फला तज़क्कू अनफुसकुम, अपनी बड़ाइयां ना मारा करो। लेकिन बात अगर है तो मैं जरूर करता हूँ, क्योंकि सलमान फारसी से जब रहमतुल्लाह अलैह इब्ने अब्बास ने पूछा भाई तुम वहाँ थे, वहाँ से यहाँ कैसे आए फारस से, हाउ वाज द जर्नी, तो रसूल सल्लम की इजाज़त के तहत आपने अपनी कहानी सुनाई। तो एक जवाब है कि आप अपनी लाइफ स्टोरी सुनाएं, मगर उसमें आपके आजी का आंसर होना चाहिए, बोस्टफुल ना और फ्लॉन्टिंग नहीं होनी चाहिए। कभी कभी कुछ लोग तो जब इस दर अल्लाह, मैं उस दुनिया की हल्की परसेंटेज को एक्सप्लोर करके नहीं आया हुआ था। सही, मुझे ज़्यादा खोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने जो गंद भी देखा है वो एक लेवल पे देखा हुआ था। अपनी छोटी सी जिंदगी के अंदर, अपने छोटे से सर्कल में जो मैंने इस दुनिया को चखा है 24 साल की उम्र से पहले, मैं बिल्कुल एक प्योर सैचुरेशन में पहुंच चुका हुआ था। जब मैं इस तरफ आया था, रब मुझे जब अल्लाह लाया था मुझे, तो मेरे जहन के अंदर ना कोई 50-50-60-40 की डील नहीं थी। मैं कश्तियां जला के आया था और सिंसेरिटी के साथ मैंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया था कि अब मैं
वापस नहीं जाऊंगा और मेरे पास है ही नहीं वापस जाने को, मैं तो आखिरी सुसाइडल डोमेन ही खड़ी होती है, इतना एक्सप्लोर कर चुका हुआ था। तो मैंने अल्लाह से हरम में यही कहा था उस टाइम पर कि शो मी द वे, आई डोंट हैव द वे, मैं इस झूठ को मजीद नहीं खींच सकता। और शायद अगला अगर कभी मुलाकात हो तो वो याद है हमने एक 10 टाइप्स ऑफ मैडमैन पढ़ा था जी, अगली हम इस पर जरूर बात करेंगे। हाँ, वो मेरे साथ बहुत था कि भाई बहुत झूठ बने बोलने की कोशिश की, लेकिन एंड पे वो इवेंचुअल क्वेश्चन खड़ा हुआ था मेरे सामने कि भाई मैं ये मैं नहीं कर सकता, मैं ये झूठ। और आज तक मेरे ख्याल से बहुत जगहों से मुझे जिंदगी में मसला आता है कि मेरा अपना आप कहता ना ये झूठ है। आज भी तक खींचोगे इसको? आज भी मुल्क में बहुत से सवाल हैं, पब्लिक मुझे कहती है कि आप गोली चलाएं इस पर। मैं ना अभी थोड़ा सा मेंटली रिलैक्स होके ना उस क्वेश्चन को डील नहीं करना चाहता, लेकिन अगर मैं डील करूंगा ना मैं झूठ नहीं बोल सकता। ये मेरा इशारा, जिसने समझना है वो समझ ले। तो मैं कुछ बहसे उठाने ही नहीं चाहता अपनी जिंदगी में, मैं उठाऊंगा मैं वही करूंगा जो मैं फिर जेन्युइन आएगा, मैनिपुलेशन नहीं हो सकता। मैं मसला ही है ना भाई, मैं इसलिए मैं कहता हूँ मैंने जिस गली जाना नहीं है ना मैं पूछू नहीं वहां, मैं अगर चला गया ना तो फिर जंग हो जाएगी वहां पर। सो यू आर डिप्लोमेटिक इन चूजिंग द बैटल्स। आई एम, वंस यू चूज इट फिर आई कांट गो बैक। वो फिर एक पूरा माइंड है ना भाई, आपको खान साहब को पहुंचाना ही नहीं चाहिए था, आपको उसकी हिस्ट्री पता होनी चाहिए थी। सॉरी मैं कह रहा हूँ, मैं कह दूंगा यू शुड हैव नोन कि भाई उस आदमी को उस डोमेन में खड़ा ही नहीं करो। और यही मेरी आज अपना मेरा मनज भी यही है भाई, मैंने जब जाने ही नहीं है तो मैं अब इस पर कोई मुझे क्या आप डरपोक हैं, आप कावर्ड हैं, आप फील भाई नहीं नहीं, आई एम अ बिट सेंसिबल हियर। मैं अगर वहाँ जाऊँगा ना तो मैं फिर वहाँ पे वही करूँगा जो मैं 35-45 साल से करता आ रहा हूँ। ठीक है, आई विल गो इन अ वॉर, आई डोंट वॉन्ट टू, एंड आई नो द बैटल्स आई हैव टू पिक इन माई लाइफ। जितना सेंस तो इंसान को दिया ना, लेकिन हम ऐसा नहीं कि बेशरम बगैरती है, बस ये पता है कि ये अगर हो गया तो क्योंकि 50 चीजें और भी चल रही हैं अभी, तो ये फिर यही होगा फिर। इफ आई गो टू वॉर देन आई गो टू वॉर। आई मेरी अपनी जो सेल्फ टॉक है, जो मेरी सेल्फ इंटेग्रिटी है, वो मुझे जीने नहीं देगी वहाँ पर। इसलिए हम कहते हैं भाई अच्छा हम आपके घर ही ना आए, हम आपके घर आके बैठेंगे और वहाँ कुछ हो गया तो भाई जान फिर मसला खराब हो जाएगा, क्योंकि अपना दिमाग ही अजीब सा है, वो मानेगा नहीं। सो व्हेन इट केम टू अल्लाह एज वेल, तो इट वॉज अ कम्प्लीट डील और मैंने वो कोविनेंट लिया था कि मैं अब इधर हूँ। तो उसके बाद मुझे नहीं पता था क्या, मुझे ये ज़रूर था मैंने कि अब जन्नत मिल जाएगी, लाइफ इज गोइंग टू बी वॉक इन अ पार्क एंड बेड ऑफ रोजेस, पीज एंड कैरेट्स एंड नथिंग एल्स। बट आई डेंट नो कि इंसान वहाँ भी बसते हैं और इंसान यहाँ भी बसते हैं। मैं कुछ और समझ के आया था, है तो दुनिया ही ना जन्नत तो था, वो इधर है, वो इधर भी मार पड़ेगी उधर ही, मुझे पता नहीं था इसका, वल्लाह ही मुझे नहीं पता था। तो अब क्योंकि मैं आ गया, सेल्समैन बहुत अच्छा था सेल्समैन भी अच्छा था, पर मसला ये है कि एज मेरी 26 हो चुकी थी, 25। तो हम एक ऐसे खानदान से ताल्लुक रखते थे भाई, यहाँ पे 25-26 में लड़का जो है ना वो सेटल होना शुरू, हाँ कमाना चाहिए उसको, पैसे आने चाहिए, उसकी शादी होनी है कल को। तो मैं अब 25-26 के अंदर एक फिक्री गुलाटियां तो नहीं मार सकता एक ऐसे खानदान में जहाँ इंटेलेक्चुअलिज्म इज कंसिडर्ड नॉट दैट वैल्यूएबल, यू हैव टू मेक मनी। आप एक एंटरप्रेन्योरल फैमिली से हो, आपका ज्ञान से क्या लेना देना? ज्ञान तो सिर्फ 9 बजे की खबरों में हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में सुनने को मिलता है, भट साहब आज भी सुनते होंगे। मुद्दे की बात करो मियां, बनाते कितना? हाँ बनाते भाई, यही जिंदगी है और यही एक बिजनेस फैमिली की जिंदगी है। आपने अगर थोड़ा बहुत मस्ती भी, जितने भी देखे CBM में हमारे दौर में पढ़ने के लिए रईसों के बच्चे पढ़ने नहीं आते थे, मुझे लगता है आते होंगे, लेकिन हमने जो सर्कल में जो जान रहे हैं, जो सुनते भी हैं ना, जो आज इज्जत एहतराम भी करते हैं और जिन्होंने माजी भी देखा है, भाई ये तो एक ऑप्शन है, सेठ के बेटे ने आना है वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, उसने करना तो उसने वही है, चलानी उसने फैक्ट्री है, बंदे चलाने, सब प्रोसीजर सेट। सो एट दैट टाइम आई डिडंट नो, यहाँ पर आके मैं और एक्सपेरिमेंटेशन कर नहीं सकता, तो इसलिए ऑल इन लग गया मेरा। सेकेंड मेरे अंदर ये था कि भाई वो तो दुनिया थी, ये अल्लाह है। तीसरा मुझे ये था कि ये मेरी पॉजिटिव साइड थी, और तीसरा मेरा ये था कि भागता ही रहूंगा मैं, अगर मैं कहीं खड़े होके डट के नहीं लड़ूंगा तो मैं तो हर जगह से भागता रहूंगा, तो भागता तो मैं रहा हूं, जब रियलिटी चेक्स आए लाइफ में तो भाग गया मैं वहां से, या मैं भाग गया या भगा दिया किसी ने। तो एट दैट पॉइंट इन माई लाइफ आई सेड नो, आई विल होल्ड माई ग्राउंड हियर।
ये मेरी पॉजिटिव साइड अंदर से। नंबर फोर, सो समराइज थ्री, पहली तीन चीजें। डर ये था कि देखिए हर जगह पे एक जगह बनाने के लिए ना कुछ गुंडे बैठे हो। सही, हर फील्ड। प्लीज इसे अदील भाई आप खास ना करें, किसी कोई भी हो बाप, आपने कल्नरी की फील्ड में जाके एक शेफ बनना है ना, उसमें भी होंगे बड़े गुंडा बैठा होगा जी, होंगे, बिल्कुल होंगे, अच्छे भी होंगे मुनाफिक भी होंगे। एक बैठा होगा जो जो रूल करता होगा उसे, या रूल करता होगा या जो गुजरने नहीं देगा आपको, आपको टैक्स पे करना है वहां, बिल्कुल। वो जगह बनाने के लिए ना वहां पर अगर तो समझदारी वाला माइंड हो ना और जो एडजस्ट करने वाला, तो चलो वो तो फिर भी एक फील्ड मिल गई भाई इसको। आप ये कह लें भाई एक आदमी को 26-28 में फील्ड मिल गई और वो बस उसने कहा अब यही सही है। अगर आप में वो वाला मसला है ना कि भाई मैं किसी भी फील्ड में जाऊंगा तो या मैं इंटिमिडेट करूंगा या किसी को इंटिमिडेट करने नहीं दूंगा, अगर ये मसला है ना आपके अंदर तो फिर टेंशन फिर क्रिएट हो जाए। आप अल्लाह की राह में जाएं, आप दुनिया की राह में जाएं, अगर आपके अंदर वो मसला है ना, मसला अजीमा जिसे हम कहते हैं, तो वो मसले क्रिएट करेगा कि बहुत मसला है। बगावत नहीं कहता मैं इसको, मसला अजीमा ये है कि एक सेल्फ एस्टीम है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, सेल्फ इंटेग्रिटी, मतलब कि एक ऐसी हड्डी है जो ना उतरती है ना आप थूक सकते हो ना उगल सकते हो, ये मसला अटक जाती है, अटक जाएगा वो मसला है। और पोटेंशियल कैलिबर ऐसे लोगों का अपनी जगह होता है लेकिन इनको बिठाना बहुत मुश्किल है। तो एक वजह नेगेटिविटी मेरी ये थी, जो डर मुझे था मैं कैसे जगह बनाऊंगा यार, मैं आज तक कहीं जगह बना ही नहीं सका अपनी, किसी फील्ड में जगह नहीं बना सका, नलायक तरीन इंसान हूँ मैं। और दिमाग ऐसा फ्राइड दिमाग है कि लग जाएगी इधर मेरी, सुन मुश्किल है मैं सुन सक, अगर भी अगर झुकने ही वाली बात है तो मैं सबसे पहले भट साहब के पैरों में, आज मैं उनके पैरों में ही हूँ, आज भी उन्हें सरों का ताज मानता हूँ, लेकिन अगर झुकना ही होता तो मैं तो यहाँ कर लेता मामला, घोसले से निकलना ही नहीं था फिर तो। मैं भाई मेरे लिए तो मेरा सबसे बड़े आइडल जो थे वो तो मेरे वाले साहब थे। और उन्होंने रास्ते में कई दफा आपको बोला भी? बहुत बार, आ जाओ आ जाओ, वो तो हमेशा चाहते थे। अभी रिसेंटली उन्होंने मुझे बड़ा अच्छा ऑफर किया था कि ये एक सेटअप है तुम देख लो तुम्हारे जिंदगी में, मतलब मसला एक तो ये। तो इफ समराइजिंग द होल एस्पेक्ट वॉज व्हाट केप्ट मी गोइंग वॉज एक ये थी कि कुछ ऑप्शन नहीं बचा। इसको हम पॉइंट्स में कर लेते हैं, पहला ये ऑल इन था, burning all ships, all the ships. हाँ, अब नहीं था। दूसरा ये था, मैं एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता था। Yes, no room for experiments. अब नहीं। तीसरा ये होप है कि इन्नल्लाह ला युदी वजह, अल्लाह नहीं बुरी करेगा यहाँ, अल्लाह जाया नहीं करेगा, क्योंकि दीन की राह पे था, दीन की राह पे था। चौथा ये कि what was the fourth one? एक ये था कि एक तो उम्मीद थी कि अल्लाह संभाल लेगा, एक खौफ था कि मैं सेटल नहीं हो सकता यहाँ पे। हाँ, और डर ये था कि डर 25-26 साल का लेके आया था कि जगह किस तरह बना, लेकिन मैं ये समझता था कि ये बनने देंगे। नाइव आप समझे? नहीं, नाइव नहीं कहें, ये था कि ये तो अल्लाह वाले हैं, ये तो अल्लाह वाले हैं, ये तो, हाँ, ये तो बनने, ये तो दोनों हाथों के साथ आपको कबूल करेंगे, हाँ, ये बनने देंगे इधर थोड़ी, लेकिन यहाँ पर भी स्ट्रगल है। माइंड मेरा यही था कि एक दीनदार आसानी से हो जाएगा, नहीं दीनदार इंसान सेंट होता है। आपकी दुनियादार आज आपको भी यही समझती होगी कि भाई क्योंकि ये अल्लाह की तरफ आ चुके हैं, नफ्स इनका कट के साइड में हो गया, इनकी कोई ख्वाहिशात होती नहीं है, डिजायर्स हैं नहीं, ये गलती कर नहीं सकते, और इनके पास तो ऑप्शन ही नहीं है नेगेटिव और पेसिमिस्टिक होने का, ग्रीड होगी नहीं इनके अंदर, इनका आपस में टसल की कोई इशू नहीं बन सकती, इनमें साइकोलॉजिकल नफ्सियाती मसले, ये सारा माइंड सेट लेके जब हम पहुँचे होंगे तो यही था कि इधर थोड़ी कुछ होना, ये तो मतलब अल्लाह के अल्लाह की बात कर रहा है बंदा तो वो तो नॉर्मल होगा, उसमें थोड़ी ये इशूज आएंगे हसद के, बुगस के, तकब्बुर के, एडजस्टमेंट के, तशद्दुद के। तो ये मुझे था, लेकिन फिर भी मुझे जब थोड़ा सा मेरा वक्त गुजरा और मैंने इंसानियत को वहाँ भी देखा, बड़े बड़े मैंने पाए के लोग देखे, मैं आज भी अगर दोनों दुनिया का मुआजना करूँ तो मुझे दुनिया के सबसे अच्छे तरीन लोग उलमाए किराम और दीनदार तबके में मिले, माशाल्लाह। कुछ दमदार वहाँ पर भी बड़े मिले हैं, मैं नाम नहीं ले सकता, बड़े अच्छे अच्छे पाए के लोगों के साथ मैंने उस दुनिया में भी काम किया, लेकिन ये मुझे ये था कि खौफ मेरा ये होगा या डर मेरा ये होगा कि मैं कैसे जगह बनाऊँगा। और दूसरा मसला ये था जो अपने आप से डर ये था कि मैं मुश्किल है कि मैं सेटल, मुश्किल है मेरा कि मतलब मैं एज अ
इज्जत एहतराम हम सब की कर सकते हैं, लेकिन पैर के नीचे दबाना मुश्किल काम होगा. आई थिंक दैट केप्ट मी ऑन गोइंग वाज के प्लस तो फिर माशाल्लाह गम था. अल्लाह से उम्मीद, सेल्फ इंटेग्रिटी और ऑल इन, ये सब कुछ पूरा पैकेज था जिसके अंदर गोइंग चलते रहे. और लोगों की फिर तकलीफें तो माशाल्लाह सबसे ज्यादा मैं एहसान मंद हूँ जो किया लोगों ने और जो पूरी दुनिया ने हार्ड टाइम दिया, मैं उनका शुक्र अदा करता हूँ. अगर वो मेरे पेन, उसने मेरी जील को जिंदा रखा, जब कोई मुझे मार रहा था या कोई मुझे तकलीफ देता था या मैं अपने आप को तकलीफ. हज़रत अली का कॉल भी है ना, अगर अगर आपने हक को पहचानना हो बातिल के. नहीं मैं ये भी नहीं कहता कि मैं ठीक हूँ, मैं तो बंदे. लेकिन इंसान को एक ये तो आती ना कि If everybody is challenging you, या तो आप अगर weaker psychology और integrity ये चीज़ मुझे सब आती थी कि अगर सब मार रहे हैं ना कुछ ना कुछ तो है ना, तो ठीक होगा कुछ तो है. ये अच्छा, ये बहुत इसके लिए powerful psychology चाहिए होती है आपको, वरना एक normal आदमी बोलेगा. किसी का मैसेज भी आया था मुझे याद है, कुछ तो मसला होगा ना शेख साहब कि हर कोई जो बोल रहा है कुछ तो होगा. अच्छा हमने भी जवाब दिए कुछ तो है. मैं तो कहता हूँ बहुत कुछ कुछ तो है बहुत कुछ था तो यहाँ तक पहुंचा अल्लाह ले गए कुछ तो है. तो बात यह है कि नहीं, मुझे एक रात मुझे एहसास बहुत हुआ था यार मामा, हर एंगल से पढ़ रही है तुझे. हाँ हर एंगल से मार रहे हैं लोग, कोई मतलब अगर हम सर्वे कराएं तो कोई तो हक में हो. हाँ नहीं, किसी ने तो कह दिया था ना 99.9% इवल है आप. मैंने कहा कुछ तो खैर होगा. उसने बोला 99% शर है, 1% जो है ना अल्लाह से मांग लेना जाकर. ये लिटरली जुमला था कि 99% शर हो, 1% जो खैर है अल्लाह से. ये जो है ना, वहां से मुझे एक यकीन आ गया था कि यार इतना तो शरीयत में भी एक किताब लिखी हुई है एक उसूले फिक्र के बाब में कि महज़ शर जो होता है ना वो नहीं होता, कहीं शर उलमा ने ही कहा है खैर शर का मुआवजना ही होता है. एब्सोल्यूट ईविल किसी शय को कहना, इवन शैतान भी एब्सोल्यूट ईविल है, मगर उसके साथ भी वो आयतल कुर्सी सिखाने वाले कुछ ना कुछ तो वर्केबल काम तो उसमें 14 नकात लिखेंगे. इबलीस की तखलीक के अंदर अल्लाह ताला की हिकमत क्या थी? हाँ देखें, हिकमत वो हमारे लिए, उसके लिए वो उसके लिए तो नुकसान ही नुकसान हुआ वो तो, लेकिन लेकिन हमारे लिए फायदा नहीं है. मैं इबलीस को नॉर्मलाइज कर, मैं ये कह रहा हूँ इतना तो इवल, मैं तो खुद भी कहता था ठीक है आदमी हम ठीक नहीं है, लेकिन दे कुड हैव कुछ तो इससे भी एक यकीन मिल गया कि यार मामा ट्रैक सही है अपना, कुछ सही हम कर रहे हैं, तो ही तो इतनी पीड़ पड़ी हुई है सबको. हाँ ये हम मानते हैं, आज भी मानते हैं भाई ठीक है हम परफेक्ट नहीं है, हमारे में बहुत गलतियाँ, हज़ारों गलतियाँ आज भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम आज तक बिगड़े हैं उस मामले में, नहीं सुधरे हुए. लेकिन ये चीज़ भी बड़ी गोइंग थी कि कहते हैं ना कुछ लोगों को इतना मारना चाहिए क्योंकि अंदर का ना वो इमाम खड़ा हो जाए उनका. सही है. तो इनको मैं शुक्र अदा करता हूँ कि इतने गहरा छुरा मारा इन्होंने, कुछ ऐसे ऐसे जख्म थे कि उसने ना वो अंदर का जो किसी जवानी के दौर का भी था ना वो जिंदा कर दिया इन्होंने. तो वो फिर एक टिल भी आ जाती है आदमी की, एक अल्फा साइकोलॉजी जिसे आप कहते हैं कि. लेकिन शेख वो तब आएगी जब आप जवाब ना दें, आप उस एनर्जी को इंटेंट में बदलें और हाँ और काम पे लगाएं. और वो कहते हैं अगर लेट योर लैम्बोर्गिनी मेक द साउंड वाला जो पूरा कॉन्सेप्ट है, अगर किसी ने मुझे एक मुझ पे कोई बात की और मैं जवाब में उसको 10 जवाब दे, वो भी है ना कि एक साहबी को किसी ने कुछ बुरा बोला तो साहबी खामोश रहे, तो जब उन्होंने जवाब दिया ना तो आप सब पहले मुस्कुरा रहे थे, फिर आप सबने छोड़ दिया मुस्कुराना. क्या हुआ मैंने जवाब दिया तो आप मुस्कुराना, अरे फरिश्ते जवाब दे रहे थे. यूनिवर्स इज रिस्पॉन्डिंग ऑन योर साइड ना. मैं आज भी लोगों से ये कहता हूँ और खुद को भी कहता हूँ, खुद बदला लेना है तो ले लो, अगर सीने की ठंडक चाहिए ना तो अल्लाह को बदला लेने दो. ये मेरा सिंपल रूल है, मैं इन सबको बता रहा हूँ. खुद बदला लेना है ना तो उसमें नाइंसाफी भी हो सकती है, तजावुज़ भी हो सकता है और उसके अंदर तसाहुल भी हो सकता है, कहीं तुम नरम पड़ सकते हो. सही है. अल्लाह से बदला दिलवाना है ना, अगर अल्लाह ऐन ऐसी जगह पर लेगा कि आप सोच नहीं सकते. वो अल्लाह को दिल ठंडा करने आते हैं इंसानों के. अगर मैं आपसे कहता हूँ आप इन्ना माशकू बसी बहुजनी लल्लाह कर दें, जो याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा था यूसुफ अलैहिस्सलाम के गुम होने पर, अल्लाह मैं अपना गम अपना दर्द अपना सब कुछ तेरे हवाले करता हूँ तू ही देख ले. तो बेटा जब मिला था ना तो वो छोटे से फॉर्मेट से ना बादशाह था पूरी दुनिया, अल्लाह ने आंखों की ठंडक आंखें गई थी ना तो आंखों की ठंडक फिर बादशाहत के साथ. तो उस मैं ये समझता हूँ कि दूसरा फिर ये जब आप बाहर फट जाते हो ना और आप निकाल देते हो आपको वजन ही फील नहीं होगा.
इंटेग्रिटी वैसी कम रहती है, आप जवाब दे चुके हो ना, बात खत्म हो गई, यूर इक्वल ना। हमने बकवास तो कर ली ना, बकवास कर ली ना, अब क्या बनता। अब इसलिए मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है अपने लिए, मैं इसको लोगों पर नहीं रखता, इस आप पहुंच गए जी, पहुंच गए, वजन है, वेटेज है या नहीं, आप मुश्किल काम है। वेट तब रहेगा आप में जो वजन इंसान को, देखें कुरान में आता है फाम मजबत फयजबु जुफा, झाग होगी ना, झाग को हवा उठा के फेंक देगी। वह अम्मा मा यनफा उनासा फयमकुसु फिलर, जो नफा बख्श चीज़ होगी ना वो वेट में ज़्यादा होगी, और वेट जो है ना पुत्र वो हमेशा खामोशी से आएगा। वो आप कहते हैं वो पालना पड़ेगा, गम दुख दर्द पालना पड़ेगा। हमारा जो यूथ का, स्पेशली मेरी जनरेशन का या मेरे साथ जो लोग हैं, हम हमारे एक ही तरीका था, गम को हमने उड़ाना था, उड़ाओ भाई, पालो मत इसको, सर पे मत लो ज्यादा। आपके तो यही, आप तो कहते हैं सर पे ना सवार करो, लेकिन दिल में पालना पड़ेगा। उससे एक उस दर्द से, उस देखें एक लम्हा है, उस लम्हे में दिल परेशान हो गया, दिल दुखी है आपका, दिल टूट गया आपका, दिल पैल्पिटेट कर रहा है, दिल तेज हो गया है, कि इंसान है ना, गोश्त का लोथड़ा है, बात आ गई आगे से, प्लानिंग आ गई, प्लॉट आ गया, हालात ठीक नहीं है, मुंह नहीं लगा रहा, कोई इज्जत नहीं दे रहा, पानी रास्ता नहीं बना रहा, बैठा हुआ है एक इंसान और इज्जत के लिए खड़ा हुआ है और बेहतरी के लिए खड़ा हुआ है, खिदमत के लिए खड़ा हुआ है, इज्जत के साथ, किसी को तबाह करने में भी नहीं लगा भाई, इज्जत के साथ अपनी रोजी रोटी कमा के अपनी इबादत करना चाहता है, इज्जत के साथ एक अपनी डोमेन को रब से मांग रहा है, आपसे नहीं मांग रहा, छीन नहीं रहा किसी से। अब ऐसे भी बहुत मिलेंगे आपको जो आज पहुंचे हुए, मगर इंटेग्रिटी कुर्बान करके आप देख के ना, आप मतलब आपको शक्लों से लग जाएगा इनकी, यार ये इसने अपनी इज्जत खुद नहीं करता, अपनी स्ट्रगल की बताने को ही कुछ नहीं है, मतलब मैं किसी को गाली दे के ऊपर कैसे आ जाऊं, ठीक है, वर्क पॉलिटिक्स करके मैं किसी से, यहाँ तो आपके यहाँ एक बंदे का करियर ही सिर्फ अगलों की कपड़े उतारना है, इज्जत उतार के फेंक देना, रोस्ट करके पहुंच जाता है, मतलब हम तो सोच ही नहीं सकते ना। ये हमारा तो मसला ही है भैया, कि हमारी अपने आप से ही बात इतनी मुश्किल है, इतना मुश्किल दिमाग बैठा हुआ है अंदर, मसला है ना वो सेल्फ टॉक में। आप जेन्युइन सेल्फ से बात करते हैं, आप दो नंबर हुए तो अपना आप ही उठा के फेंक देगा, बोलेगा दफा हो जा। दो सालों में बड़ा चेंज देखा है कि भाई जितनी भी तुमसे बात करो, कुछ भी करो या कभी फड़का भी दो, भाई वो पुराना बच्चा जो था वो अब मेरी नजर में तो उम्र मेरे से भी पहले सीरियस हो गया। आई एम नॉट ट्राइंग टू बोस्ट यू, आई फेल्ट दिस, के जो पहले तो होता था ना, अब मैं खुद देखता हूँ ना भाई, 29-29 के हैं, 29-30 के अंदर इनकी हालत देखो, समझ भी है शोर जब तक आप अभी देखना वक्त के साथ, मजा भी इसी में है, यू जस्ट डोंट टेक इट आउट। इफ अ मैन ओपन्स अप इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड, तो क्या उसका भरम क्या है, फिर उसका क्या भरम है उसका, भाई मैं सब कुछ तो पता है लोगों को मेरे बारे में, असल भरम ही इंसान का ये है, वो जब्त है ना, जब्त हो ना अंदर रखा हुआ उसने, भाई मैंने नहीं है दुनिया को, बस वो जब्त उसको जो है ना, लेकिन दिस इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। वो दौर अलग था कि जो अंदर से है बाहर से है, यहाँ गम आया यहाँ निकाल दिया, वहां का आया यहाँ निकाल दिया, तो आप आखिर में सही है, वेट कोई नहीं है आपका, आपका आपकी वेटेज कोई नहीं है, वजन कोई नहीं है आपके दिल में भाई, आज लोगों को इंटेग्रिटी भी नहीं है, कहीं भी बैठ जाए कहीं भी उठ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब तो हर चीज देखनी पड़ती है ना भाई, जो अंदर है उसकी भी तो इज्जत करनी है, कि पाल के रखा हुआ उसको, फट जाए तो आसान है। ये आपको ना एक देखें, मैं जो आपकी अगर देखें तकलीफ सबको आती है, मगर पर्सनैलिटी हर किसी की नहीं बनती, ये बड़ा जुमला है सही, मैं ये नहीं कह रहा हमारी को अच्छी है, मैं ये कह रहा हूँ कि तकलीफ सबको आ जाती है, मगर वो तकलीफ उनके अंदर ना वो जिन नहीं खड़ा करता जो होना चाहिए, वो इसलिए क्योंकि जितना वो बर्दाश्त होगी, जितना वो पाल रहा होगा, जितना वो महसूस कर रहा होगा, वलकद नालमु अन्नका युज़ीक उस्सदरक, हम जानते हैं आप सल्लम कि आपका सीना तंग हो रहा है, अल्लाह कुरान में कह रहा है बेमा यकुलून, जो ए गला कर दे पहने सानू पता है, नबी तो किसी से शेयर नहीं कर रहा अपना गम, तो अल्लाह आसमान से फिर बोल कह रहा है, लेकिन वो अल्लाह रिगार्ड कर रहा है ना, अल्लाह कह रहा है हम जानते हैं बस, तो ये जिंदगी में यही चाहिए, मैं आपसे शुरू में यही बोल रहा था, ये नहीं कोई कम नहीं कर सकता किसी का गम, तो शख्सियत का सबसे बड़ा मेहमान ही यही है ना, कि आप अपना गम अल्लाह के आगे रखिए ना, आपने अगर अपनी चादर उतारनी है, आपने बंदा बनना है सही वाला, या बंदी बननी है सही वाली, आप एक के आगे उतारें उस चादर को, वो अल्लाह,
और उधर नॉन कैजुअल अंदाज में, नॉन फॉर्मल अंदाज में आप जिस तरीके से आपने बात करनी है, आप फकीर और गदागर बन के बात करें ये सोच के कि अल्लाह मैं तेरे आगे अपनी चादर इज्जत की उतार रहा हूँ, इज्जत ही नहीं है तेरे आगे की। अब जैसे लास्ट वीक मैं तफसीर पढ़ा रहा था, तो वो हालांकि कितनी दफ़ा हमने ये आयत सुनी है कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम जब अपने मेहराब में वहाँ पर इबादत कर रही थी, एंड देर वॉज ओनली वन वे जहाँ ज़करिया अलैहिस्सलाम उनकी कफालत करते थे, तो एक दिन हज़रत ज़करिया जब आए तो उन्होंने कहा कि ये फ्रूट्स कहाँ से आए थे सारे, अल्लाह से। उन्होंने कहा अल्लाह ने दिए, तो उन्होंने वहाँ पर कोई बहस नहीं की, वो जो अंदर एक पाल के रखा हुआ था ना फ़ौरन से गए, और अल्लाह ताला ने उसको कोट किया है कि बड़ी धीमी आवाज़ के अंदर ज़करिया अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह बगैर वसाइल के आज, बगैर सबब के आज फ्रूट्स आ गए। हाँ। जो अंदर पाल के रखा अल्लाह के, मैं सही है बूढ़ा हो चुका हूँ, रब्बी ला तज़न्नी रब्बी फ़र्दा अंता खैरुल वारिस, बस। यानी वो इस औलाद वाले सफर में भी शायद यही हाल रहा है, मैं अपने से ज्यादा तो अपनी वाइफ को बड़ा मानता हूँ इसमें, उसमें भी यही था। 14 साल पाल के रखा है, इट्स नॉट इजी, मैं समझ भी नहीं सकता शायद चीज को, नहीं तो जो इससे गुजरा खाली वही समझ सकते हैं। जितने भी बे औलाद अभी कपल्स होंगे ना, ये जितनों को औलादें हो चुकी हैं ना, ये समझ भी नहीं सकते, ये पैदा होके भी जन्म ले लेना, ये समझ नहीं सकते कि बे औलादी का दर्द क्या, और खासकर पाकिस्तान के अंदर इस माशरे के अंदर। हाँ, वहाँ पे तो देखें, उस माशरे में तो देखें, उन्होंने जन्नत पे तो बात नहीं करनी जी, उनके यहाँ अखलाक सब कुछ है, उनके यहाँ एथिक्स और एटिकेट, पूछेंगे भी नहीं कितने बच्चे हमारे यहाँ, तो पहला दूसरा सवाल ही कितने हो गए। हाँ, वो तमीज़दार हैं भाई इस मामले, उन्होंने दुनिया है ना, दुनिया तो उन्हें अच्छी रखनी है, दुनिया में उनके जो हसासियत है ना कि भाई एक हमारे यहाँ ये भी ना पूछे कितने बच्चे, उन्होंने दुनिया में रहना है तो उन्होंने दुनिया अच्छी बनाई हुई, हमने तो रहने आखिर इसको जन्म तो बनाया पूरा। सर आप सोच नहीं सकते कि जब आपके बाद आने वाले कपल्स साहिब औलाद हो रहे हैं जी, आपके साथ के लोग साहब, एक औरत के इस गम को, एक वो औरत जिसको पहले साल में बच्चा हुआ है या दूसरे साल में बच्चा हो गया, चलो उसका भी, औरत का इस गम के ऊपर तो मर्द का तो डोमेन ही नहीं है ना, ठीक है, मर्द तो बात ही नहीं करता वो अच्छा लगता, लेकिन आप उसके बारे में क्या कहेंगे जिसको एक साल नहीं, 5 साल नहीं, 10 साल नहीं, 15 साल के अंदर 365 ज़रबे 15 करें आप, कितने हज़ार दिन एक इंसान रोज़ नमाज में अल्लाह से बात करता हो और उसे इतने साल जवाब ना आया हो, और उसके सामने मौजों की सेल लगी हुई हर किसी के घर में, और वो अपने रब के मौजे का इंतज़ार हो बैठा हो, और इतना वक्त गुजर चुका हो, फिर अटेम्प्ट्स उसकी टूट चुकी हो, और आप ये सोचें कि अल्लाह ताला ने हमें IVF के फेलियर के बाद खबर, जब यानी आखिरी इलाज जो मेडिकल साइंस के पास है वो IVF है, वो टेस्ट ट्यूब बेबी वाला, जब आपका ये भी फेल हो जाए और आप रिपोर्ट लेके आए हॉस्पिटल से और आपकी बेगम इंतज़ार में हो गए क्या रिजल्ट आएगा, और उसे ये हम कहें कि काम नहीं होया अल्लाह की तरफ, इस तकलीफ के आलम में, और आप ये नहीं उस वक्त आप अच्छा एक वक्त कंपैरिजन की एज से भी गुजर चुके हो आप, यानी लोग लिख चुके हैं आपके बारे में कि भाई अब मुक गई ये कहानी इनकी, कुछ नहीं होना अभी आपका, अच्छा कहीं खुद में भी इंसान को एहसास आ गया हो, मैं अपनी बात बेगम की नहीं मैं बात करता, इतने लंबे सफ़र के अंदर कभी अल्लाह के हवाले से नेगेटिव बात नहीं करना, ज़ुबान संभाल के बात कराना, और 16 साल अकीदा पढ़ाया है लोगों को के ममई यत्तकिल्ला यजल्लहु मखरजा ममई यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बुहु, हमेशा अल्लाह के बारे में ऐसी पावरफुल तकरीर करना, अकीदे की तौहीद बढ़ाना, और फिर इस सफ़र के अंदर कम असबाब को ख़त्म करके डायरेक्ट अल्लाह, कम ज़र्फ़ों ने तो ये भी नहीं लिहाज किया कि अकीदा पढ़ाया हमने तो ईद पढ़ाई है, तो कमज़र्फ होता है ना वो, तो खैर नहीं देख, मतलब इस गम से, मतलब मुझे भी, मेरा आज दुश्मन है ना कोई, तो मैं उसकी कोई भी तकलीफ सुनूंगा ना कहीं तो सॉफ्ट हूँगा ना मैं, मतलब ये भी नहीं दिखी किसी को यार कि चलो मारने से पहले लिहाज कर लें कि शेख के पास जो है वो ये वाली, मतलब एक गम तो है ना
अब भाई पर्सनैलिटी अगर दबंग टाइप की है तो भाई वो हो गई गलती हमसे, भाई हम ऐसे ही पैदा हो गए हैं। तो पॉइंट ये भी नहीं सोचा किसी ने कि भाई घर वापस जाके एक नन्ना सा खिलौना तक नहीं है इनके पास। मारा लोगों ने, टका के मारा, लिहाज नहीं किया। जिन्होंने भी किया है नाम तो हम ले, हम वो कमजोर थोड़ी हैं जो किसी का नाम ले लें। अगलों ने तो हमारे नाम किया, हमारा मतलब चिट्ठे खड़े कर दिए, आगे भी करेंगे फ्यूचर। लेकिन लोग तहम्मुल को वीकनेस ले लेते हैं, इस पर मैं बात करना चाहता हूँ कि मैं आऊंगा उसके बाद। लेकिन बस आप ये समझें कि क्या है भाई, रब किसे बात की, हमने बोला ही नहीं किसी का। हमारे आंखों के सामने कितने बे औलाद कपल्स हैं, औरतें उसके मतलब दिमाग घूम जाता है लोगों का, पागल हो जाते हैं लोग। आपके यहाँ मेंटल हेल्थ का ये इशू ही नहीं है कि एक औरत अगर उसके पास खेलने के लिए, परवरिश करने के लिए बच्चा नहीं है ना, आप उसको मतलब इतनी सेंसिटिविटी नहीं है कि जब एक औरत आके आप में बैठी है तो आपने क्या बातें नहीं करनी, ये बातें नहीं करनी उसके सामने, उसे ऑकवर्ड फील भी नहीं कराना आपने कि भाई तू लीग का हिस्सा नहीं है, और उसके ये भी फील नहीं कराना कि तू मतलब उसके आगे ये भी फील नहीं कराना कि तू डिप्राइव्ड है। ठीक है भाई, तेरे पास अगर कोई चीज नहीं है बच्चे, तो मुझे तुझे ये भी फील नहीं कराना कि तू डिप्राइव्ड है, और मुझे मैंने ये भी फील नहीं कराना कि मैं प्रिविलेज्ड हूं। सही यार, कितना अखलाकी मसला है यहाँ, कोई तमीज नहीं है समाज के अंदर लोगों, जैसा कि इसका कोई दीन से ताल्लुक ही नहीं है। नहीं, चीजों का दीन से ताल्लुक नहीं है लगता है। तो देखें, लेकिन क्या है, पाल के रखा, उस पालने के अंदर शख्सियत में एक मतलब एक आवाज है ना, एक आवाज में गम है, आंखें हैं। वो ऐसा नहीं आता कोई इंजेक्शन लगाए और दर्द पैदा हो जाएगा आवाज में आपकी। नहीं, आप देख लेना, हम तो करना पड़ेगा उसके लिए। अगर भाई कोई पूछे भाई व्हेन अ पर्सन इज गोइंग थ्रू जेन्युइन पेन, हिज फेशियल, हिज वॉइस, हिज वर्ड्स वुड चेंज, इट शुड चेंज। उसकी आंखें बताएंगी कि यार इसने पिया है, इसने रब के आसमान के नीचे इंतजार किया है अल्लाह का। ये जुमला वो नहीं कह सकता जो बह गया इसने। और हुस्ने ज़न अल्लाह से रखना कि मैं मर सकता हूँ, मैं अपने अल्लाह पे बदगुमानी नहीं कर सकता, कुछ भी हो, मुझे कोई गिला नहीं है अल्लाह से। इन्होंने भी अगर कुछ किया है बुरा, मुझे अल्लाह से कोई गिला नहीं, मैं अपने रब का नौकर हूँ। और नमक हलाली कहा कि है कि अपने मालिक की नमक हलाली कहा कि बैठे राजी हूँ उससे, मैं यहाँ बैठा हूँ अल्लाह, मैं तेरी बड़ाई ही बयान करूँगा, मेरा कोई गिला नहीं। मुझे मेरी जो औकात नहीं है उससे भी बढ़ के अल्लाह ने दिया, जो मेरी हैसियत नहीं है उससे बढ़ के दिया, और जो मेरे ऐब हैं उससे बढ़ के दिया, जो मेरी अपनी औकात है उससे अल्लाह ने मुझे बहुत बढ़ के, मैं मेरी हैसियत ही नहीं है। लेकिन जब पब्लिक में हैं, लोग हैं, हिसाब किताब हैं, तो मैं आने वाले बच्चों को, प्रेजेंट डे लीडरशिप को ये ज़रूर मैसेज देता हूँ, समझाता भी हूँ कि यार थोड़ा ग्रेस होनी चाहिए, कोई मामला होना चाहिए। लेकिन वो जो गुजर रहे हैं उनको मैं एक अल्फाज ज़रूर कहूँगा कि इट्स वेरी पेनफुल, वेरी पेनफुल। जब ये आपने गम को पालने वाले, और ये अकेला नहीं है, वो हैं दुनिया में बहुत लोग हैं जो उस तकलीफ को समझ सकते हैं, लेकिन शायद कुछ लोग मौके की नज़ाकत को देख के नहीं आते। मैं अभी बात करूँगा तो फट जाएगा अभी, कभी कभी आप इंतज़ार कर रहे होते होगे, एक हल्का सा भी पुश दे दे आके के हाथ रख दे कोई, वो एक दिलासा जो है ना कि आज की रात शेख साहब बहुत सख्त, दुआ करिएगा। अगर आप हमें यही बोलते हैं जो भी हमारे साथ हैं पूरे सफर में कि तुम लोगों के पास तो अल्लाह तो है ही है, लेकिन मैं भी हूँ, एक हाथ ही रख देता हूँ, एक बगैर चलो यार कोई मसले की बात नहीं, ये खाली ये जुमला, चलो यार इंशाल्लाह होगा, इंशाल्लाह एक दिन ये हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास ये जुमला भी ना हो, वो जिसको देखिए, मैं ये भी नहीं कह रहा कि तुम्हारी स्ट्रगल नहीं है, लेकिन वो आदमी जिसके पीछे कोई बैक नहीं है, कोई बड़ा नहीं है बचाने के लिए, दुनिया पैसा नहीं है, ताल्लुकात नहीं है, वो मेहनत कर रहा है, लोग उसे डरा रहे हैं फाइलों के नाम पर। फाइल खुल गई आपकी भी, फाइल खुल गई, लोग मुझे कह रहे हैं कि फाइल खुली हुई आपकी,
तू क्या क्या सुनवाएगा, क्या चाहता है कि सारी मेरे सारी मेरा सब कुछ तबाह हो जाए यहाँ पर अगर मैं मुंह खोल लूं। नहीं, हमने स्टार्ट यहीं से किया ना कि जिंदगी में हो सकता है कोई गुजर रहा हो कहीं से, तो हम बता दें कि हम यहाँ से गुजरे थे। हाँ हाँ, आ जाओ, मसले की बात नहीं है। मतलब इसकी मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ आपको, आप मेहनत कर रहे हो जिंदा रहने के लिए, अपनी फिक्र, अपनी स्ट्रगल के लिए, अपने अकीदे ईमान के लिए। आप किसी के पास जाएं, वो आदमी बहुत बड़ा हो, हैसियत में बड़ा हो, रुतबे में बड़ा हो, पॉलिटिकली बड़ा हो, और आप जंगल के ना, अभी इस नए जंगल के जो है ना, नई एंट्री है, एंट्री भी नहीं है अभी, सही है, आप चूजे भी नहीं हो उसे लाके, आपने कदम रखा है वतन के अंदर, और एक आदमी आपको जब भी मिलता हो, आपको हल्की फुल्की बात लगाता हो कि क्या बोलो, तुम्हारी फाइल ठीक है, तुम्हारा मामला ठीक है, तुम काम करो, ऊपर से जो है ना हमने पता है, हम तुम्हारा क्लियर जा रहा है ना। अब आप क्योंकि एक मौलवी हो, एक दीनदार आदमी हो, और आपको सबसे ज्यादा इन 20-15 सालों के अंदर जब दीनदार तबके के ऊपर, यानी आपने एक चूजे को बता दिया कि भाई यू आर अंडर सर्वेलेंस, इन अदर वर्ड्स यही बोला ना, ठीक हो हाँ, लेकिन यू आर अंडर सर्वेलेंस, हाँ, देख रहे हैं तुम्हें, देख रहे हैं तुम्हें, सही। बंदा कहे यार मैंने तो जो है वो, अच्छा फिर आपने देखा भी हो कि कैसे लेके जाते हैं, तो आपको तो पता है भाई, मैं तो दुनिया की सबसे खतरनाक आइडियोलॉजी पढ़ाने वाला आदमी हूँ, इस्लाम जो है वो तो मुश्किल तरीन चीज है खलक से उतारना किसी के लिए, मीठा इस्लाम नहीं वो, तो एक वो तो हर आजादी है ना, लोग कहते हैं राइट्स राइट, अगर इस्लाम की आइडियोलॉजी से सबको मसला है वो ये है, असल फ्रीडम तो वो देता है हर तागूत से आजादी। अबे तू पेटगोट वाली कब दिखाई थी मैंने तुम लोग, 2010 में मैंने तुम्हें एक आई पेटगोट वाली, यस, ये बड़ा जो इल्यूमिनाटी ये कर रहे हैं ना आजकल लोग सारे। अब हमने तो जमाने में 2010 से पहले मैंने, अब ये जैद हामिद साहब का आया था बड़ा प्रोग्राम, ब्रास ट्रैक, उससे भी 5 साल पहले मैंने देखी थी रिंग ऑफ पावर, इसमें ये रॉथचाइल्ड और रॉकफेलर था, तो मैं 2008-09 में पी चुका हुआ था कि ये क्या कर रहे हैं, किस तरह यहूदियों ने जो है ना यूरोप के अंदर फसाद मचाया, वहाँ बैंक्स बनाए, बैंक कैसे बना, ट्राइलेटरल बैंकिंग कैसे, कैसे पैसे निकाल के, कैसे फेडरल रिजर्व, ये सब मैं पहले ही पी चुका हुआ था। मुझे भरमबाजी करने का शौक नहीं भाई, जिसने डोमेन है भाई उसी रखे, मैं बता रहा हूँ, लोग आज भी बैठे हैं, हम भी कोई दावा करने से पहले यही सोचते हैं भाई एक बाप बैठा होगा अंदर के, सही। तो उसी वक्तों के अंदर ये मैंने पेटगोट देखी थी 15 साल पहले के करीब से, तो पेटगोट के अंदर उन्होंने इस्लाम का जो वर्जन सबसे ज़्यादा उस यहूदी इल्यूमिनाटी एजेंडे ने एक्सेप्टेबल कराया ना कुर्बे क़यामत के अंदर, वो गंदी गलीज जो वीडियो है इसके अंदर, उसमें वही वो नाचने गाने वाला इस्लाम है जो शिव वहाँ पे हिंदुओं की शिवा का डांस दिखाया है, यहाँ पे उन्होंने मुसलमानों के एक मसलक का एक फिरके का डांस दिखा दिया उन्होंने, ये हम एक्सेप्ट कर लेंगे, तो जो मुश्किल इस्लाम है वो तो मार दिया जाएगा, उठा लिया जाएगा, यही किया गया हमेशा। बड़े बड़े नाम हैं, आफिया सिद्दीकी को देख लें अब, और बड़े बड़े लोग हैं, अली अल तमीमी हैं यूएस के अंदर, तो अब आपको कोई कह रहा है एंट्री के ऊपर कि सर हम देख रहे हैं आपको और सही जा रहे हैं आप, अब बंदा कहे यार मैं तो इतनी हम्बल बिगनिंग है मेरी, मतलब मेरे कोई बाप दादा कोई इस फील्ड में थोड़ी है, मैं तो एक बिजनेस खानदान से हूँ, और तो बिजनेसमैन तो वैसे ही बड़े देखभाल के चलते हैं, सही है, वैसे ही कारोबारी लोग जरा कहते हैं एक्स्ट्रा कॉशियस होते हैं, थोड़ा घर घर गृहस्थी वाले, फैमिली वाला आदमी डरपोक होता है सर, कोने के लिए बहुत कुछ होता है, तो फैमिली है ना उसकी, तो कमाई भी जिंदगी की, फैमिली है, इंडस्ट्री है, बिजनेस है, क्यों किसी से लड़ाई करेगा वो। अब आप एक ऐसे हम्बल बैकग्राउंड से आ रहे हो और आपको किसी जगह पे कह दिया जब देख रहे, तो आप सोचें वो रात यही सोचते हुए निकल रही है यार, तो मेरा मेरे साथ तो कुछ नहीं होने, एंग्जाइटी देखें जाओगी, तो वो फाइट बैक करके फिर अगले दिन नॉर्मलाइज करना अपने आप को, सफर जारी रखता रहा ये सोच के साथ। शेख साहब लोगों को एंटी एंग्जाइटी समझा रहे हैं, एंग्जाइटी से निकलना कैसे है और उन्हीं रात में एंग्जाइटी दे रहा है कोई नहीं, आप सोचे उन्हीं वक्तों के अंदर जो है
आपने लोगों को तो हौसला देना ही देना है. आप ये सोच, अच्छा कुछ लोग तो होते हैं ना कि टेंशन आई, स्ट्रेस आई, नशा किया, भुला दिया, दिमाग कहीं और एक एक फैंटेसी में लगाया, बुला. आप रियलिटी चेक में अभी खड़ा हुआ है. आज भी हमें पता है कि कौन सा कहाँ से आएगा और किस तरह करके जाएगा, सबको पता है. आप चल रहे हैं, कितना वो प्रेशर होगा, और पता है भाई पीछे कोई बैक नहीं, कोई बचाने थोड़ी आएगा आप. नहीं नहीं, तो सबसे बड़े गमों में से गम ये है जो गुजर रहा है कि बेटा ये तेरी दो टांगे हैं, द ओनली टू सिंसेयर थिंग्स आर योर लेग्स. होंगे और भी बड़े लॉयल्स आपके, लेकिन एंड के अंदर तो साया भी छोड़ दो. हाँ, तो उस प्रेशर में जो तन्हाई है और जो डर है उस वक्त का कि यार अगर मैं गिर गया और खत्म हो गई कहानी. घर नहीं है पीछे कोई, बिलोंगिंग नहीं है. फिर वो याद नहीं, घर है, बिलोंगिंग नहीं है, घर है, मगर जिस प्राइस पर है ना, खत्म हो गया ना सब. फिर तो वो प्राइस ये है कि फोटोस्टैट मशीन चलाएगा तू बाबी दादा जी, तुझे उसमें इंटेग्रिटी नहीं है, खत्म हो गया सब. हाँ, घर वाले बचा लेंगे, लेकिन उसकी कीमत जो है ना गुलामी है, गुलामी से भी बदतर. और वो आपकी सिर्फ नहीं होगी, आपकी बीवी की भी होगी, और अगर आपकी औलाद है तो वो भी झुकेगी. तो भैया तो निकलता नहीं, कहते ना या तो निकलना नहीं चाहिए, और अगर निकल के हार गया ना तो वापस ना आई हो, वापस सर्वेंट क्वार्टर पे मिलना मुश्किल है. तो नहीं मिल जाएगा वो, मैं तो सर्वेंट क्वार्टर नहीं, अच्छे में रखेंगे वो तेरे अच्छे कमरे भी बोल रहा हूँ. वो तेरे अच्छे कमरे को सर्वेंट क्वार्टर कैसे बनाएंगे ये तू नहीं जानता. वो बड़ा तरीका है भाई. मैं अपनी भी बात करता हूँ ना, मेरे बच्चे हैं और मेरे इदारे में बच्चे हैं मेरे भाई. मैं समझा रहा हूँ ये काम ना कर, ये काम ना, वो चढ़ी हुई उसको. मैं से समझा रहा हूँ ये काम ना कर, ये तेरे नुकसान देगा. अब वो कहता नहीं मैं तुहानू समझदा ही कुछ नहीं. तो मेरी बादशाहत मुझे आ गई है समझ. मेरी बादशाहत के अंदर भी कोई करेगा और वापस आएगा तो आपको क्या लगता है? तो हर इंसान तो इतना बाप ने कबूल तो करना है ना जी, आज बच्चे हो मेरे. हाँ, और मैंने कहा ना, योर मिस्टेक्स आर नॉट बिगर देन माई लव फॉर यू, माई लव इज ग्रेटर देन. बट स्टिल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाशी को क्या कहा था? सलाम भाई, तूने सलाम कबूल कर लिया, बात ठीक है, तू मोमिन है, हम एक्सेप्ट करते. तूने हमजा रदी अल्लाह अन्हु को इस तरह शहीद किया है ना, मेरी तेरी से रिक्वेस्ट है यार, ये सामने ना आएगा. एक नबी कह रहा है अपने उम्मती को कि तू कबूल है अल्लाह के, मेरा बशरी तकाजा ये कहता है कि मुझे ना हमजा याद आता है जिस तरह तू सामने ना आए. तो उन्होंने फिर कहा था कि मैं अगर इस्लाम का इतना बड़ा हीरो मेरे हाथों से शहीद हुआ था ना, तो मैं कुफर का भी उतना ही बड़ा जीरो कत्ल करूंगा, जो उतना ही बड़ा वहां माना जाता. फिर मुसैलमा कज़ाब को मारा था इन्होंने जाके, तो कहीं मन हल्का हुआ होगा कि मैंने इक्वल कर दिया. लेकिन फिर भी मुसैलमा कज़ाब हमजा रदी अल्लाह अन्हु की पैर की खाक भी नहीं है, लेकिन बड़ा दुश्मन था वो इस्लाम का, नबूवत का दावा किया था उसने. तो ये तो इंसानी तक आता है कि भाई सामने नहीं आएगा. तो वापस तो मौत है आपकी, इतना मरेंगे आपको. आप बस ये याद रखा लें, जिस दिन आपने सर उठाया और अगर बैठी भी बेंच हिटलर हुई और डिक्टेटर हुई ना, तो वो तो काट के रख देगी आपको हर लिहाज. अगर वो इंसान हुए ना, तो वो फिर ये जुमला कह देंगे, सुबह का भूला शाम को लौट गया तो वो भूला नहीं होता, मगर उस भोले को भी ना दो तीन इंजेक्शन फिर भी मिलेंगे. ये इस तकलीफ और कंफ्यूजन के आलम में कि आगे खाई है और बराबर में चट्टान है जो गिर रही है, इसके बीच में समंदर है और आग का दरिया है वो, और कोई रस्ते से निकालेगा नहीं. और इसकी सबसे अच्छी मिसाल वो भी है कि एक शेर है, बंदा ऊपर अटका हुआ है, नीचे मगरमच्छ है, यहाँ शेर है, टहनी पे सांप है. मिसाल वो मौत के साथ देते हैं इसकी, लेकिन ये जिंदगी भी ऐसी है कि इन हालात के अंदर एक लीडर पैदा होता है, एक क्यादत जन्म. सब कुछ डिस्कस, लोग डर ना जाए, मैं इनको डर नहीं है, ऐसी बात नहीं, तो वर्थेड है, नहीं है वर्थेड तो इतना आपकी सोच. इस पे एंडिंग नोट इस पे होना चाहिए, वरना ऐसा ना हो बोले भाई मैं अगली बार से मेरे पॉडकास्ट ही नहीं सुन रहे, भी चीजें पूछे डरा देते हैं मुझे. नहीं नहीं, वर्थेड बहुत वर्थेड है. वर्थेड इज ऑलवेज के जब भी इंसान अपनी पसूड़ियों और अपनी इन सब चीजों से
जब वो कहीं पहुंच गया हो या पहुंच रहा हो या बड़ा किंग बन चुका हो, जो सबसे ज़्यादा उसको सुकून देती है ना कि मैं अल्लाह की तौफीक से आई वॉक द वाटर ऑफ फायर, मैंने आग के दरिया पे पैदल चल गया, अल्लाह ने मुझे इतनी तौफीक, आई नो आई वॉक द वे, आई नोन द वे, आई स्ट्राइव द वे, और मैंने वो लाइफ एक्सेप्ट नहीं की, रब ने मेरे पे रहम ये रखा कि मुझे डुबोया नहीं। वहाँ मतलब कि अपनी जिंदगी आंखों की ठंडक बन जाती है। ओ, आप इसी को कहा ना, हबलाना मेरा अजवाजी ना उजर रियात ना कुर्रता आयुन वजा अलल मुत्तकीन इमाम। हां मतलब आपने एक वो बहुत बहुत आपने एक सुकून होता है कि मैं गिल्ट नहीं होगा आपको कि यार रिग्रेट नहीं होगा, काश मैं ले लेता, काश मैं कदम बढ़ा लेता। यानी अब जिंदगी का इख्तिताम होता है, मैं कुछ किया है, I was a part of something big. Yes. Something bigger than me. मैं किसी ऐसी चीज का हिस्सा था जो मेरी जात से बड़ी थी। Live larger than life. हाँ, और मेरी बरादरी से बड़ी थी, मेरी बिलोंगिंग से बड़ी थी, और गम उसका योगा पहुंचने के बाद भी बिलोंगिंग गई। वो जैसे गमी है वो जो सूरह यासीन के अंदर आया था, वमा ली अला अब्दुल्लज़ी फतरनी व इलैहि, कि जब वो उसको शहीद कर दिया जाता है, उस शख्स को अहलो करिया से जो आता है ईमान ले, उसको शहीद कर दिया जाता है, तो वो उसके अल्लाह ताला ने जुमले जो है ना, जो अल्लाह ताला से वो कहता है या अपने आप से कहता है मरने के बाद, शहीद होने के बाद, वो कहता है कि काश मैं अपने भाइयों को बता दूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे क्या दिया, ये काश वो सुकून बता दूँ जो मैंने हासिल किया, दीन की राह कट गया, लेकिन काश वो सुकून बता दूँ मैं। एक वही आस है, एक वही होप है, लेकिन यही बड़े लोगों से सुना है, और आज की नशस्त में भी हमने यही गम देखा, पालना सीखा, किस तरह पालना है इसको। लेकिन ये बात ज़रूर है कि जितने भी काबिल और कामयाब लोगों से आज तक बात हुई है, वर्थ इट है, वर्थ ये। इस पे एक जुमला ये भी ऐड कर लें आप ख़त्म करने से पहले, कि मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, ना ही मैं अपनी मुखालफतों का कभी बुरा चाहता, ना अपनी दावतों। मेरे रब ने मेरे पर एहसान किया, मेरा रब हाथ डालेगा, मैं आज ख़त्म हो जाऊँ, लेकिन उस ज्यादती का अल्लाह ने साथ नहीं दिया। मैं आदमी ठीक नहीं हूं, मैं यह भी आज भी कहता हूं, लेकिन उस वो कहते हैं ना, वो काले पहाड़ की काली रात की काली अंधेरी चट्टान के काले पत्थर की काली चूंटी के पैर के नीचे अगर शिरक होता है, तो उसी दूसरे पैर के नीचे ना ज्यादती भी होती है, जो इंसान वो कहते हैं ना, अल्लाह ने कुरान में क्या कहा, ममई यामल मिसकाला जर्रतिन खैरिन यरा जितना भी शर है ना, जहां पे फाइनल जजमेंट होनी है कि गलती इसकी थी या इसकी थी, उसके अंदर जब आप देखते हो ना यार वो कहाँ है और वो क्या कर रहे हैं और वो किस स्टेटस पर है, और रब ताला की तौफीक से नौकर और गुलाम अल्लाह का फकीर कहाँ है, तो वो ये नहीं कि मुकाबला हो सकता है वो वहां पर, यानी जे यूसुफ अलैहिस्सलाम की जेल, इल्जाम और जितना कुआं, ये इसके बाद आखिर में 11 सितारे जो हैं सूरज चांद सजदा करें, दिल ठंडा हो जाएगा। दिल इस बात पे ठंडा नहीं होगा कि मैं बड़ा हो गया, दिल इस बात पे ठंडा हो गया रब जो रब ने ज्यादती नहीं की किसी के साथ, मुझ पर एहसान किए, और कुछ कमजर्फ ऐसे भी कहेंगे कि दुनिया के अंदर जो मशहूर नहीं है वो आसमानों पर मशहूर है, ये इबारा ठीक है कि कितने उलमा हैं दुनिया में, उनको शोहरत नहीं मिली मगर आसमान पे कबूल होते, उनकी आड़ के अंदर जो लोग अपने आप को ये सही समझ रहे हैं ना, ये जिनके लिए ये बोला गया है ना, वो मशहूर होना नहीं चाहते थे, उन्होंने अब्दे खफी रखा अपने, जिन्होंने वो सारे काम किए ना कि वो हाईलाइट हो जाए, और फिर भी वो कुंडे में बैठ के अपने अपने कुएं में ही बैठे हुए हैं, तो ये नहीं ना हम कभी इंसान चाह सकता है कि कोई ऊपर ना आए, कोई पीछे रह जाए, किसी को आसमान और जमीन खा जाए, कोई चाहेगा? एक अच्छा इंसान, एक दर्फ वाला, एक बावजन आदमी कैसे चाहेगा ये? लेकिन आदमी खुद देख लेता है कि वो छह हथकंडों से नाम बनाने के मुकाबले में एक इंटेग्रिटी के साथ रब ताला ने अगर हाथ पकड़ा है किसी का, वो कहते हैं ना इधर इधर आता है आपको एहसास कि मैं कहाँ हूँ और वो कहाँ है, यहाँ पे एहसास। मुंह से तो आदमी के पास इतने दलाइल हैं कहने को, तो मारने तो वहीं मर जाते,
अल्लाह ताला ये भी नहीं, ये मकसूद नहीं है, ना शोहरत मकसूद है, ना नाम मकसूद है, ना पैसा मकसूद है, ये खाक है, ये कुछ नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला, लेकिन अल्लाह ताला थामे और हिसाब किताब रखे सही और बंदे को लेके आए, वो सुकून एक ज़रूर होता है कि आई फॉट द बैटल्स बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह। मेरा इतना परसेंटेज मेरे डिसीशन का था, फैज़ आज़म था जो मेरे पास था कि मैं उस रात भागा नहीं, भागा नहीं मैं। सलाम उन तब तुम फतखलुहा खालिद, तूने ये जितने भी पहाड़ तोड़े गए हैं भागा नहीं वहाँ से। जो व्हेन यू होल्ड फर्म ऑन दैट ग्राउंड एंड यू डिसाइड टू गो इन अ बैटल एंड अ वॉर, दैट इज द मोस्ट ब्यूटिफुल मोमेंट इन अ मैनस लाइफ और अ वुमेंस लाइफ। द डे उसकी लज्जत की वजह ही तो वो उन्हें जंगे बदर से ओहद में लेके गई थी। सही है, ओहद से गई कि दैट ब्यूटी ऑफ challenges after challenges, decisions after decisions. खड़े होने का जो मजा है ना कि I fought the storms, I looked into the eyes of the storms. Micro battles बहुत important है। इसके बीच में छोटी छोटी जंगें हैं, उससे जीतना या उसमें अल्लाह ताला की मदद देखना, मौजज़े देखना, satisfaction, वो दिल का अल्लाह ताला का ठंडा करना, वो एक से दूसरे स्टेज पे लेके जाता है। अल्लाह ताला फिर हाथ पकड़े उसमें, हार भी हो जाती है लेकिन हाथ वो पकड़ता है। लेकिन जब हाथ पकड़ता है अल्लाह और फिर वो हाथ, बस इसमें आप कहते ना इनको कोई अच्छा जुमला दें, जब अल्लाह हाथ पकड़ के लाएगा ना तो रीच में भी नहीं होगा वो आदमी उन मेंढकों के जो उसे मार रहा था। जब अल्लाह एक बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन, अल्लाह जब उसे उठा के जब अल्लाह पुश देगा ना उसको, वो फील हो जाएगा। अगर वो जेन्युइन बंदा होगा ना और गफलत में नहीं होगा और अल्लाह ज्यादा उसको फील हो जाएगा पुश आया है मुझे। हाँ तो वो रीच से ही निकल जाएगा, वो बादशाह बना दिया अल्लाह यूसुफ अलैहि, वो रीच से ही निकल गए लोगों को, वो रीच से निकल जाए। हालांकि बफौका कुल्ली ज़ेल में नलीमन, हर किसी के ऊपर एक बड़ाई बैठी हुई है, लेकिन और अल्लाह से आजी मांगनी चाहिए और पहुंचने के बाद हमेशा ये कहना चाहिए फसब्बे बे हमदे रब्बी का वस्तगफिर इज़ा जा नसरुल्लाह वल फतह। आजी तस्किया तो चलता रहेगा, बात तो आपने कलेजे के अंदर की पूछी है ना। सो व्हाट केप्ट यू ऑन गोइंग वाज होप, कन्विक्शन, सर्टेनिटी, यकीन अल्लाह से दिल लगी, अल्लाह मैं ऐसे नहीं मर सकता, अगर इस ज़्यादती के तूफान में मैं मर गया तो ये मेरी रूह के लिए बहुत भारी होगा। तू बड़ा बादशाह है, तू देख ले, ये लोगों के सामने नहीं ये जुमले आते, ये तन्हाइयों के जुमले हैं जो आदमी अल्लाह से कहता है, अल्लाह अगर मैं यहाँ मर गया और ये जीत गए ये, तो इसको इस तरह भी कह सकते हैं इनमें कि, और ये भी जुमला था कि अगर अल्लाह मुझे मार दिया और मैं पहला हूँ तो शायद इस बात वालों की हिम्मत टूट जाएगी, कोई कदम नहीं रखेगा इस फील्ड में अपना नाम बनाने के। अल्लाह बहुत गयूर है, तो मैं अगर मर गया और मैं जो रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर पहले ही मैं हूँ उसके अंदर और अगर मैं गिर गया अल्लाह यहाँ पर, तो पीछे जो बच्चे आ रहे हैं और जो टीमें आ रही हैं, जो कौमें आएंगी, जो मेरे भी बाप बनेंगे आगे जाके, मुझसे भी बड़े होंगे, अल्लाह उनकी उम्मीद टूट जाएगी। तो मुझ जैसे टिंके को पानी के अंदर से तेरा सहारा है, अल्लाहुम अक्फिनी हिम बिमा शिता, ये जुमला, ये मैं दुआ ज़रूर सिखाऊंगा, असाबुल हुदूद के इस बच्चे की दुआ है, तीन अटैम्प्ट्स की उसको तबाह बर्बाद करने की, हलाक करने की, उस बादशाह ने, उसने यही दुआ पढ़ी, अल्लाहुम अक्फिनी हिम बिमा शिता, अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है जितना तेरी मशीयत के मुताबिक हो, अल्लाह ने उसको बचा लिया और अल्लाह ताला तुझे भी बचाएगा और इन अंधेरे अंधेरे ख़त्म होने हैं, एक दिन नए अंधेरे भी आएंगे, रोशनी ज़रूर आएगी, बट द नाइट इज़ द डार्केस्ट एट दैट पॉइंट वेयर द लाइट इज़ अबाउट टू बस्ट, रात सबसे तारीख वहाँ होगी जहाँ सवेरा होने वाला होता है। घबराना नहीं है, घबराहट भी होगी, घबराहट में भी घबराना नहीं है, अल्लाह पर यकीन रखना है, ये बादल चले जाएंगे इंशाल्लाह, ये बारिश हो जाएगी, ये फसल उग जाएगी, परेशान ना होगी किसी जगह के ऊपर, और मुस्कुराहट होनी चाहिए चेहरे पर, और एंड के अंदर ये सब हम घर से तो लेके नहीं आए थे ना, अल्लाह की ज़मीन है, इस पर हमारा क्लेम ही नहीं बनता, किसी को अल्लाह ज़्यादा दे वो भी कामयाब है, किसी को अल्लाह कम दे वो भी कामयाब। हाँ अगर किसी ज्यादती के आगे इंसान ने सर उठाया, उसके लिए मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह जालिम के जुल्म के ऊपर मज़लूम को कभी हराए नहीं, कभी अल्लाह उनको फतह दे और वो उसके आगे आजिज रहें, और यहूदियों की तरह मूसा अलैहिस्सलाम जब उनको बचा के लेके गए अल्लाह की तौफीक से, तो शिर्क ना करे कि इजल्लना आलिहा, हमें भी ऐसा एक बुत बना दें जैसे इनका बुत है, ये वाला दावा ना करे कोई, और आजी इनकी सारी के साथ हम्बल रहे और अल्लाह ताला ज़रूर फतह देगा आपको इंशाल्लाह।